हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आसमा नवाबी। मैं हूँ आसमा। गाइस, आज मैं आपके साथ में एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, ये है वो एश्योर का हेयर कंडीशनर, वेस्टीज की कंपनी एश्योर का हेयर कंडीशनर। 245 इसका प्राइस है, देख सकते हैं हम। थ्री इयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। 75 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, देख सकते हैं आप। यह है कंडीशनर एश्योर का। इसमें है व्हाइट वाटर लिली एक्सट्रैक्ट, इसमें लिखा हुआ ही है ऊपर, फॉर सॉफ्ट मैनेजेबल एंड टैंगल फ्री है। मैं इसे 2 मंथ से यूज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने हेयर ऑयल, शैम्पू और ये कंडीशनर ये साथ में ही शुरू किया था। हेयर ऑयल का तो रिजल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ एंड शैम्पू का तो ठीक है। साथ में ही मैंने कंडीशनर भी स्टार्ट किया था यूज करना। वीक में 2 टाइम यूज करती हूँ, ठीक है। एक बात है गाइज, मुझे इसकी एक बात ज्यादा अच्छी लगी। मेरे हेयर है ना बहुत रफ है, मैं इससे कंडीशनर करती हूँ ना तो थोड़ा शाइनी हो जाते हैं। यकीन मानिए गाइस, हो जाते हैं। और ये कहता भी है, इसका ये क्लेम करता है कि मतलब जब इससे हेयर वॉश करते हैं, कंडीशनर करते हैं, तो बाल डिटेंगल हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, फ्रिज फ्री हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। यूज करने के बाद में ही मुझे भी पता चला, हाँ हो जाते हैं। एकदम सॉफ्ट, हमारे बालों को एकदम सॉफ्ट बना देता है, बॉन्सी बना देता है, एकदम बॉन्सी हो जाते हैं बाल। मैंने सिर्फ मतलब बॉन्सी यार, मेरे फ्रीजी हेयर है तो ऑलरेडी ऐसे खुले खुले रहते हैं तो बॉन्सी दिखते ही है वो। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की इसमें कि मतलब शाइनी हो जाते हैं मेरे, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे एकदम हाथ ऐसे फिसलने लगता है, इतने सॉफ्ट शाइनी हो जाते हैं, चमकते हैं बाल। आप एक बार एक ट्राई दे सकते हो, इसे यूज करके देखिए, खुद ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। जी, कंडीशनर कैसे यूज करते हैं आपको तो सबको पता ही होगा। शैम्पू के बाद में हमें कंडीशनर लेना होता है। देखिए प्रोडक्ट मैं बताती हूँ आपको, देखिए देख सकते हो। अब मुझे इसे हाथ में नहीं लेना गाइज, फिर भी लेती हूँ, चलिए आप देखिए। क्रीमी है, ऐसी प्रोडक्ट जैसे सारे होते हैं वैसे ही है। यूज कैसे करते हैं कंडीशनर आप सभी को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि जब आप हेयर वॉश करोगे उसके बाद में हमें कंडीशनर लेना है, कॉइन के बराबर इतना इतना लेना है, जैसा एक कॉइन एज ए कॉइन रहता है, कॉइन इतना लेना है हमें कंडीशनर। एंड हमारे बालों को ऐसे ऐसे उसके ऊपर, स्कैल्प पे कभी कंडीशनर यूज नहीं करना है कभी भी, बालों के स्कैल्प पे कभी भी नहीं, बालों के नीचे साइड में रूट्स में स्कैल्प पे यूज नहीं करना है। और वही कंडीशनर लगाना है, एक कॉइन बराबर लेना है और उसे लगाना है, 1-2 मिनट बालों पे रहना देना है और हेयर वॉश करना है। और गाइस, कभी भी कंडीशनर को बालों पे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, तब तक उसका झाग निकलता रहे तब तक हमें हेयर वॉश करना है। कोई भी कंडीशनर, ना कि इसी के बारे में कह रही हूँ मैं, कोई भी कंडीशनर हो, हमें पूरी तरह से उसे निकालना, वरना हमारी बालों की प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाएगी, हेयर फॉल ये वो सब। इसीलिए यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इसे यूज करोगे ना आपको रिजल्ट खुद दिखाई देगा ना। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया करें। बस और मैं क्या कहूँगी, आप खुद यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। आप यूज करें, आपको जरा सी भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और क्या कहूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।